हेलो दोस्तों, मैं साहू साहू चैनल में स्वागत है। आज हम मार्केट की चर्चा करेंगे और कल की स्ट्रैटेजी बताएंगे। चलो जल्दी जल्दी चलते हैं निफ्टी फिफ्टी में। आज जो निफ्टी फिफ्टी चार्ट देखेंगे, आज पूरा नेगेटिव था, ग्लोबली नेगेटिव था। तो इसी के चलते आज निफ्टी फिफ्टी में आज नेगेटिव परफॉर्मेंस रहा। आज जो निफ्टी फिफ्टी में लो बनाया 9043 लो बनाया और हाई 9240। तो देखिए, जैसे हम वन डे कैंडल लगाए हैं, वन डे कैंडल में जैसे हम बात करते थे मिड बॉलिंजर बैंड से अगर ब्रेकआउट देता है तो बेयरिश आएगा। तो मिड बॉलिंजर ब्रेकआउट दिया था तो कम से कम 9,443 रुपीज़ तक वहाँ तक आया था। वहीं से फिर रिवर्स मार के 9,196 एक अच्छा रिकवर दिया है, कम से कम 42। यहाँ देखिए एक अच्छा डोजी कैंडल बनाया, जैसे ये जैसे बनाया यही यहाँ पर एक बनाया। तो देखते हैं कल इससे इससे ज़्यादा नीचे ब्रेकआउट देता है तो वही है जो हम इतने दिन से चार्ट को स्टडी कर रहे हैं। पूरा एक हफ्ता यानी 6 ट्रेडिंग सेक्शन हो गया तो वही रेंज में आकर रुक रहा है। इसका मतलब है 9000 हो गया बहुत बहुत बड़ा जोन, इतना बड़ा जोन है। अभी आप ट्रेड करने से पहले ये सोचना है 9000 आपका सबसे सपोर्ट जोन। जिस दिन 9000 कट हो जाएगा उसी दिन आपको अच्छा बेयरिश पैटर्न देखने को मिलेगा। तो अभी तो वही स्टॉप लॉस लगाएंगे जिसे हम कल बात किए थे, 9100 आपका लोअर सपोर्ट और ऊपर का जैसे 9350 ये हो गया आपका रेजिस्टेंस और 9500 रेजिस्टेंस जोन। 9000 एक हो गया और 9500 ये दोनों ऐसा लेवल है जिस दिन आपको वो दोनों लेवल में कोई भी एक लेवल ब्रेकआउट देता है तो आप मान के चलिए ट्रेंड रिवर्सल के तरफ जा रहा है। तो ये रहा निफ्टी फिफ्टी का चार्ट। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट आ रहा है, देखो कोई भी कंफर्मेशन नहीं दे रहा है, एकदम फ्लैट मोड में ये एकदम निफ्टी फिफ्टी चार्ट। तो निफ्टी बैंक का चार्ट देखते हैं। निफ्टी बैंक चार्ट जैसे आज निफ्टी बैंक अगर खोले तो आज जो लो बनाया था 18,287 का लो बनाया था, जैसे हम कल बात किए थे तो 18,500 जो हमारा सपोर्ट था। तो यही तो देखिए आप वहाँ पर जैसे आप ब्रेकआउट दिया वही आसपास आके ये बंद हुआ है। तो बॉलिंजर बैंड का जैसे हम बात किए थे 18,000, तो ये 18,200 को टच किया बॉलिंजर बैंड का, बॉलिंजर बैंड को टच करके फिर रिवर्सल मारा है। तो रिवर्सल मारने के बाद देखिए निफ्टी फिफ्टी में जैसे डोजी कैंडल बनाए हैं यहाँ पे और सेम डोजी कैंडल बनाए, तो इससे अगर ऊपर ब्रेकआउट देता है मान के चले, इससे अगर प्लस में खुलता है तो मैं आपको हो गया रिसेट का जो 9500 आप टारगेट लगा सकते हैं और 19000 आपका रेजिस्टेंस, 19000 रेजिस्टेंस, 19500 हो गया रेजिस्टेंस जोन। रेजिस्टेंस जोन यह है जहां आपको सेलिंग बनता है वहां तक पहुंचने के बाद। और नीचे का जो सपोर्ट लेवल है 18500 और 18000 सपोर्ट जोन, ये दो लेवल हो गया आपका निफ्टी बैंक का। निफ्टी बैंक का और देखिए डाइवर्जेंस जो RSI का देखिए नीचे की ओर आ रहा है, ये डाइवर्जेंस RSI नीचे की ओर आ रहा है यानी वन ट्रेंड थोड़ा सा हल्का बेरिश हुआ है। तो देखिए बॉलिंजर बैंड तो टच कर दिया और वहाँ से अगर रिवर्स देता है तो आपको अच्छा रिवर्स पैटर्न मिलने को मिलेगा 600 से 700 पॉइंट। तो ये रहा निफ्टी बैंक का चार्ट। निफ्टी फिफ्टी का चार्ट भी वही सेम है हम जैसे बताया। तो आज के जो गेनर स्टॉक है जो अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, वेदांत दिया है, NTPC दिया है, भारत एयरटेल अच्छा परफॉर्मेंस दिया है, एकदम शानदार मूवमेंट। और जो बेयरिश स्टॉक रह गया आईबुल हाउसिंग फाइनेंस, एशियन पेंट, रिलायंस, ये तीनों बेयरिश पॉइंट पे आज बंद हुए। तो भारत एयरटेल का चार्ट आज अच्छा लगा आज, उसका जो वन डे कैंडल देखिए एकदम बढ़िया परफॉर्मेंस, एकदम अच्छा ब्रेकआउट दे दे के उठाए, एकदम बॉलिंजर बैंड को क्रॉस करके आगे एक बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बनाया एकदम शानदार। यहीं से देखिए जैसे ये भी जैसे पैटर्न बना के यहीं पर 4-5 दिन रुक गया, यहाँ भी 4-5 दिन रुक सकता है। तो आप भारतीय एयरटेल में जैसे इन्वेस्ट करने से पहले थोड़ा देख लीजिए इसमें। तो ये हो गया हमारा जो मार्केट का जैसा आज जो मार्केट में आप परफॉर्मेंस दिया था। तो USD INR जो डॉलर है आज थोड़ा कमज़ोर है, हमारा रुपीज़ थोड़ा मजबूत है और इंडिया विक्स आज थोड़ा प्लस में है, इसलिए हमारा मार्केट में थोड़ा बेयरिश पैटर्न बना था। तो ग्लोबल इंडेक्स में आज बेयरिश पैटर्न था, इसी के चलते हमारा मार्केट में आज बेयरिश आया था। तो यही है मार्केट की चर्चा और मार्केट में कल की स्ट्रैटेजी बता दिया। तो देखते हैं कल कैसे रहता है ग्लोबली, और ग्लोबली को फॉलो करके हमारा मार्केट उसी हिसाब से मूवमेंट देता है। तो ठीक है दोस्तों, थैंक यू, बाय बाय, नमस्कार।